गया जी, सरपंच ने फोन करया नहीं, प्रशासन पहुंच गया जी, सारा उन्हें देखा है भाई, मौके पर ठीक निशान भी पाए गए हैं, पर सांप ने कटे है। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दड़ौदा की राम राम। फिलहाल खड़े हाँ नरवाना के नागरिक हॉस्पिटल में खड़े हाँ, और आज सुबह सुबह एक भाई बुरी घटना देखने को मिली है भाई। कलौदा गांव का एक किसान हर रोज रात ने अपना ट्यूबवेल से खेत में पानी लाने जाया करता, लेकिन आज जब वो खेत में ट्यूबवेल से पानी लाने गया तो घर वापस नहीं आ पाया भाई। बताया गया है कि आशंका की वह उसको किसी जहरीले सांप ने काट लिया और मौके पर उस किसान की भाई मौत होगी। तो देख सको भाई किसान ने कितनी कठिनाइयों का सामना करके खेती करनी पड़ा है, और सरकार फिर उसका जो किसान को हमें लाभ नहीं दे पाती। तो जो किसान है जिसके पूरे घर वाले परिजन पहुँचे हैं, पूरी जो घटना उसके बारे में पूछेंगे, आखिर कितनी देर में गया था, हर रोज आया करता या आज ही गया था, तो पूरी की पूरी जानकारी उनके जो घर वाले पहुंचे उन तले। हाँ जी, खेत में किसान की बताई जा रही मौत हो गई, तो क्या कुछ कारण है? कारण था जी, कल यो रात न 12 बजे रामलीला देख के खेत में गया जी, ट्यूबवेल चला कर रात ने। कौन सा गाँव है, क्या नाम है? गाँव कलौदा कला जी। क्या नाम है जी? इसका सतपाल नाम है जी। ठीक है जी। तो रात ने 12 बजे ट्यूबवेल चलाने खातर गया था जी, और यू खेत में पहुँच के ट्यूबवेल नहीं चला पाया, उससे पहले ही इसको मतलब सांप ने काटे है, सब हमारा पूरा मतलब निशान पाए जी सांप के काटे हुए के। अच्छा। और वहाँ पर वो सांप की वो कंगनी भी तारी हुई पड़ी हुई थी उसी जगह जी। तो सुबह फिर हाँ जी, के नाम था जी, कितनी की उम्र थी? उम्र है जी इसकी 55 साल जी। नहीं, अनमैरिड था जी, शादी नहीं थी, अनमैरिड। कितने बहन भाई है? ये 4 भाई हैं जी, 1 बहन है। हर रोज जा करता खेत में के कले रात गया था? नहीं, खेत में डेली जाया करता जी, रात को जिस तरह ट्यूबवेल में पानी कम है ना, तो रात को 12-1 बजे जात जगह लोग ट्यूबवेल चलावे। अच्छा, रात में ट्यूबवेल चलाने गया था? हाँ, ट्यूबवेल सारे लोग चलावे जी रात में जात जगह जी। तो परिवार में किस प्रकार पे लगा भाई जो घटना हुई? परिवार में सुबह दूसरा पड़ोसी गया जी, उसने जाके देखा है वह बंदा पड़ा है। हाँ, पड़ा देखा? हाँ, पड़ा देखा जी उसने। फिर उसने गाँव में फोन किया, फिर माँ में परिवार वाले पहुंचे जी उधर, फिर सरपंच बुलाया, सरपंच ने मौका पे पुलिस बुलाई। मोबाइल भी ले रहा था जी? ना, मोबाइल नहीं रखता था जी भाई, मतलब मोबाइल से सूचना देने की कोशिश? नहीं, मोबाइल नहीं रखता, नहीं था मोबाइल नहीं रखता। अच्छा जी। हाँ जी। तो प्रशासन पहुंच गया था? हाँ, प्रशासन मौके पे पहुंच गया जी, सरपंच ने फोन किया नहीं, प्रशासन पहुंच गया जी, सारा उन्होंने देखा है भाई, मौके पर ठीक निशान भी पाए गए हैं, भाई सांप ने काटे है। तो अपना जो निशान थोड़ी सी डेड बॉडी मिली, और निशान मिले थे अपने? हाँ, डेड बॉडी का हाथ पे निशान है जी, मौके पर हाथ के निशान ने तो पता लग गया अपने। हाँ, हाथ के निशान ने तो जी मारा शक हो गया, दो जगह तो कट रहे हैं जी, बस इसका सांप ने कट गया। और खेत में वैसे कोई निशान नहीं मिला बस सांप का? नहीं, वो पड़ी हुई थी जी उसके पास में, जो सांप की वो है ना कांजली, कांजली वो पास में पड़ी हुई मिली है जी, उससे जाहिर होता है कि सांप ने काटे है। हाँ, उससे जाहिर है। तो वही मौके पे हो गया था या यहाँ लेकर आए? नहीं, वही मौके पे जिस टाइम सुबह पहुँचे नहीं जी, उस टाइम मौके पे पूरा हो गया था जी। अच्छा। नहीं, मेडिकल में लेके आए कुछ डॉक्टर ने भी क्या कुछ बताया अभी सांप का काटने से है क्या कुछ? और अभी चल रहा है जी, मेडिकल चल रहा है जी अभी। अच्छा। हाँ, मेडिकल की रिपोर्ट आएगी तब डॉक्टर बताएंगे जी, अभी मेडिकल चल रहा है, मेडिकल में अभी। अच्छा। तो प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है क्या कुछ? प्रशासन की तरफ से जी यही मांग करते हैं जी, अब जमींदार के पास और तो कुछ है नहीं जी, धक्के खा के बिल्कुल दिन रात मांत करा है, सरकार का सहयोग चाहवा जी, कुछ न कुछ हेल्प चाहवा हूँ। सरकार की तरफ से भी स्कीम है जैसे किसान की अगर मौत हो जाए काम करने से खेत में हो जाती नहीं तो वो स्कीम लेना चाहवा जी, और भी हेल्प चाहवा जी, काफ़ी बड़ा परिवार है जी। जमीन कितनी आई कर दी? जमीन का कड़ा जी 1-1.5 किला है, ठीक है बात। ये 4 भाई हैं जी, 1 बहन है जी। हाँ, ये सबसे बड़ा है जी, घर के लेन देन युवा करेगा। हाँ जी, अनमैरिड। तो खेत में सोए करता या पानी लान जाए करता? नहीं, पानी लगाने के लिए जी। अच्छा। जी स्त्रिया कोई 12 बजे भी गया, कोई 2 बजे भी गया, मतलब पानी लगाने के लिए गया जी, खेत में नहीं सोया करता। जैसे और भाई है उनकी भी बारी आई करती है, जाया करता? नहीं, यही ज्यादातर तो यही चलाता था जी, केवल वो फिर दिन में जाया करते, दिन में भी तो काम करना पड़ा है जी, ज्वार बाजरे लाने और काम करना। अच्छा जी, क्या कंडीशन देखी आपने, मतलब हालात क्या थे, मतलब कोई बचने की भी कोई मतलब ऐसे भी हो भाई कोशिश करियो उसने जाने की भाई कनिया आस
पड़ा था जी, गांव के और भी सभी व्यक्ति वहाँ पर मौका पर थे। अच्छा, वो दो जगह उसके निशान थे, कट गया था वो। अच्छा, गांव वाले यही कह रहे थे बस आपने कट गया। तो जैसे हाँ, आप सरपंच हो, प्रशासन की कार्रवाई क्या कुछ हो चुकी है अभी तक? ये लोग तो कुछ नहीं हुई जी, पोस्टमार्टम खातर लेजर कर दी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि इस किसान की मौत हुई है और सांप के कटने से, स्कीम भी है सरकार की, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुआवजा मिलना चाहिए सरकार? हाँ जी, मिलना चाहिए इसको, सहायता मिलनी चाहिए सरकार की। अच्छा, आए हैं। तो आपने ये सारे जो है इन्फॉर्मेशन दे दी उसको? हाँ, अच्छा।